तो हे गाइज नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे न्यू एडिटिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में कुछ इस तरह से आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के मदद से बैकग्राउंड चेंज किस तरह से किया जाता है, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को बैकग्राउंड चेंज करना सीख ही जाओगे। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखें वीडियो को। तो सबसे पहले अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर दिया गया है एडिट ए फोटो का ऑप्शन, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फोटो को एडिट करनी हो वो फोटो को पहले इसको इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फोटो पे बता रहे हैं, तो इस फोटो को हमने सिंपली इसमें ऐड कर लिया। और ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐड फोटो के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, तो ऐड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड पर एडिट करना है वो बैकग्राउंड को आपको ले लेनी है, ठीक है। तो मैं ये ब्रांड बैकग्राउंड पे बता रहा हूँ, तो इस बैकग्राउंड को हमने ले लिया है। और मैं बता दूँ, अगर ये बैकग्राउंड आप लोग को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। और माफ़ी चाहता हूँ, हमें थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है। तो सिंपली ये इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, और जूम करने के बाद आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पर इफेक्ट्स का ऑप्शन एफेक्ट्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फोटो को थोड़ा ब्लर कर लेंगे, तो यहाँ पर ब्लर वाले ऑप्शन पर जाके, और फिर से थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा आपको ये ब्लर वाला, तो इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा ब्लर को कम कर देंगे हम यहाँ पे, जैसे कि 8%, तो इसको रख लिए। और आप लोग को इसको यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद आप लोग ऊपर देख सकते हो, और इसको मतलब साइज को एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट करने के बाद आप लोग ऊपर देख सकते हो यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिया गया है, तो इरेज का ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली साइड में आपको दिख रहा होगा इनवर्ट का ऑप्शन, तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, फ़ोटो को थोड़ा रिस्टोर पे जाके, यहाँ पे रिस्टोर पे जाके फ़ोटो को थोड़ा जूम कर लेंगे, और हार्डनेस को यहाँ पे 100 कर लेंगे, ठीक है। और साइज़ को भी थोड़ा कम कर लेंगे, और फ़ोटो को जूम कर लेंगे यहाँ पे, और इस तरह से मतलब जूम कर लेंगे एकदम जितना जूम हो सके उतना ज़्यादा। और यहाँ पर जूम करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से आपको एकदम आराम आराम से आपको कट करनी होगी, ठीक है। थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन फ़ोटो मतलब अगर अच्छा चाहिए तो टाइम तो देना पड़ेगा भाई। और इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह से हाथ मार मार के एकदम आराम आराम से एकदम अच्छे से आपको यहाँ से इरेज करना है बैकग्राउंड को। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड जो होगा फ़ोटो का वो इरेज होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं वीडियो को ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। तो आप लोग ध्यान से देखें इस वीडियो को, क्योंकि मैं जिस तरह से इरेज कर रहा हूँ उस तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा। तो फाइनली दोस्त, बैकग्राउंड इरेज करने के बाद हमारा फ़ोटो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो सिंपली इसको यहाँ से डन कर देना है, इस फ़ोटो पे मतलब सेव कर देना है, तो इसको यहाँ पे डन कर देंगे, और फिर से वहाँ पे दोबारा क्लिक करके इसको इस फ़ोटो पे सेव कर लेंगे बैकग्राउंड को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आपको इफेक्ट्स वाले आइकन पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे। तो इस पर क्लिक करके आप क्या करेंगे कि बैकग्राउंड को जो कट किया है ना वहाँ पर से पत्थर के, वहाँ पर से इसको थोड़ा ब्लर कर देंगे। तो ब्लर को 4% लेके और इसको यहाँ से ऊपर से इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो इरेज के ऑप्शन पे इरेज कर लीजिएगा। उसके बाद साइड में दिया होगा इनवर्ट का ऑप्शन, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है आप लोग को, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और सिंपली इसको थोड़ा जूम करके, और जूम करने के बाद इसको जहाँ से कटा है पत्थर वहाँ से इसको थोड़ा ब्लर कर देंगे, ताकि बैकग्राउंड हमारा नेचुरल लगे नहीं कि कटा हुआ है। तो इसको हम दोनों तरफ इस तरह से कर लेंगे एकदम हल्का हल्का सा, ठीक है। तो आप लोग भी कर लीजिएगा अगर बैकग्राउंड आप लोग इस तरह से काटते हो तो, ताकि फ़ोटो हमारा नेचुरल लगे। तो ठीक, सिंपली इसको डन कर देंगे यहाँ से, और डन करने के बाद फिर से डन करेंगे। और यहाँ से आपको क्या करेंगे, फिर से आपको क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद एडजस्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रास्ट को हम कर देंगे थोड़ा बढ़ा देंगे, अगर फोटो में कम है तो 47%, क्लियरिटी को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसके बाद सेचुरेशन को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो देख सकते हो फोटो हमारा भी किस तरह से दिख रहा है। तो सिंपली इसको इस पर सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, टूल्स पर जाना है, और टूल्स पर जाने के बाद फिर से एडजस्ट पर चले जाएँगे, एडजस्ट पर चले जाएँगे। और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सेचुरेशन पे क्लिक करना है, और सेचुरेशन पे क्लिक करने के बाद सेचुरेशन को पूरा बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा आसमान का कलर है उसको हम नीला करेंगे सिर्फ यहाँ पे। तो यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिया गया है, तो इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे,
और इसको फोटो को थोड़ा जूम करके आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे सॉरी इन्वर्ट करके उसके बाद आपको फ़ोटो पे जूम करना है। और जूम करने के बाद आसमान का जो कलर है उस पर हमको इस तरह से हाथ को चलाना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो आसमान का कलर यहाँ पे नीला हो चुका है, ठीक है, ये करने से। और इसके बाद और भी ज़्यादा करेंगे तो आप लोग को बताते हैं आगे धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है इस फ़ोटो पर, और सेव करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से इस फ़ोटो को सेव कर लेना होगा अपने गैलरी में। और सिंपली बैक आ जाना है तो हमारा फ़ोटो ये गैलरी में आ जाएगा। और गैलरी में जाने के बाद जो फ़ोटो भी सेव की है उस फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको शेयर कर देना है स्नैपसीट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से शेयर कर देते हैं, और शेयर करने के बाद हमारा फ़ोटो स्नैपसीट एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये सिंपली पहले यहाँ से हम स्नैपसीट में शेयर कर दिए है और हमारा फ़ोटो आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये लुक्स पर आपको जाना है, तो लुक्स पर हम सिर्फ पहले ही चले गए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस वाले फ़िल्टर को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस वाले फ़िल्टर पे आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपली आपको राइट कर देना है, जो सबसे ज़्यादा ब्लू लगे उसको ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंडो वाले ऑप्शन पे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे ट्यून इमेज का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे और बीच में आपको दिख रहा होगा ये एडिट का ऑप्शन, तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन्वर्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली हम फोटो क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे और हमारा फेस पे ज़्यादा लाल सा आ गया है, रेड सा, तो इसको हम इरेज कर लेंगे यहाँ से। और देख सकते हो आप लोग यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। और ये मतलब फेस पे का इरेज करने के बाद आपको जो बॉडी का जो पार्ट दिख रहा होगा उस पर भी आपको इरेज कर लेना है, ताकि हमारा बॉडी रेड सा ना दिखे, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से क्या करना होगा, राइट कर देना होगा, यहाँ से प्लस के आइकन है वहाँ पे होगा डन का ऑप्शन। तो ये करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, नीचे दिया गया है टूल्स का ऑप्शन, ठीक है। तो इस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्टिव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है और फ़ोटो को थोड़ा जूम कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से फिंगर को रख के ब्राइटनेस को हम बढ़ा लेंगे, ठीक है, प्लस करके हम बढ़ा लेंगे ब्राइटनेस को। उसके बाद आप लोग यही प्रोसेस आपको हैंड पे भी करना है, और हैंड पे करने के बाद थोड़ा मतलब पैर पे भी लग रहा है, तो पैर को भी हम यही सिलेक्टिव पे जाके हाथ को इस तरह से रख के और ब्राइटनेस को यहाँ पे इस तरह से बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ाने के बाद देख सकते हो हमारा फ़ोटो भी कितना झकास दिख रहा है स्नैपसीट एप्लीकेशन में आने के बाद, और भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा हो गया फ़ोटो। तो हमारा एडिट फाइनली हो चुका है, तो सिंपली शेयर पर क्लिक करेंगे, और शेयर पर क्लिक करने के बाद ये क्या होगा कि शेयर पे क्लिक करने से हमारा फ़ोटो जो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो फाइनली हमारा एडिट हो चुका है कंप्लीट। और मैं बता दूं आप लोग को, अगर कोई भी चीज़ आप लोग को समझ में ना आई हो तो सिंपली हमें कमेंट करें, मैं कमेंट में ज़रूर बताने का प्रयास करूंगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, और मैं बता दूँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अभी शुरुआत ही किए हैं, आगे आगे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे धमाकेदार एडिट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।